press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कैपेसिटर ड्राइंग के बारे में, कि किसी एक कैपेसिटर को कैसे हम लोग आउटलाइन और 3D इफेक्ट ड्राइंग करते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैपेसिटर को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का स्वागत है शर्मा जी इंजीनियरिंग में। तो सबसे पहले एक कैपेसिटर ड्राइंग करने के लिए हम लोग आउटलाइन ड्राइंग करेंगे एक कैपेसिटर का। तो मैं जैसे कि यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ आउटलाइन ड्रॉ कंप्लीट होने ही वाला है। आउटलाइन हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे शेडिंग। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ शेडिंग। इसी प्रकार से आपको करना है शेडिंग, ताकि कैपेसिटर ड्राइंग में रियलिस्टिक भी दिखाई दे। रियलिस्टिक व्यू दिखाने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एक कॉटन का। कॉटन को आप जब रब करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है और ये काफ़ी रियलिस्टिक व्यू दिखाई देता है। तो मैंने यहाँ पे आउटलाइन शेडिंग कंप्लीट कर लिया। ऊपर वाले भाग को हम लोग थोड़ा डार्क कर लेते हैं। Sometimes when you're here, I can't feel no doubt, 'cause you keep me where the stars are found. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. It doesn't really matter. It doesn't really matter. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. तो फ्रेंड्स, मेरा लगभग कंप्लीट होने वाला है और मैंने दोनों टर्मिनल को यहाँ पर शेडिंग कर दिया है, रबिंग करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कैपेसिटर का फिगर बना दिया है। नेक्स्ट वीडियो में और भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को ड्राइंग करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।